आज की हमारी ये रिपोर्ट बहुत ही ज्यादा खास साबित होने वाली है आप लोगों के लिए। आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने हाथों का रंग देखकर अपने आने वाले भविष्य के बारे में जान सकते हैं, यहाँ तक कि अपने स्वभाव के बारे में जान सकते हैं, भाग्य के बारे में जान सकते हैं। बता दें आपको, हस्तरेखा ज्योतिष शास्त्र में हथेली की रेखाओं को देखकर इंसान के भाग्य, स्वभाव और नौकरी आदि के बारे में कई भविष्यवाणियां की जा सकती हैं। हस्तरेखा ज्योतिष में न सिर्फ हाथ पर बनी लकीरों से भाग्य जाना जा सकता है, बल्कि हथेली का रंग देखकर भी भविष्य की कई बातों को जाना जा सकता है। जैसे कि अगर आपकी हथेली का रंग पीला है तो इसका ये मतलब निकलता है कि हस्तरेखा के अनुसार इसे अशुभ माना जाता है। हथेली का रंग पीला होने से व्यक्ति की मानसिक शक्ति कमजोर मानी जाती है, ऐसे व्यक्तियों की सेहत ठीक नहीं होती। तो वहीं मटमैली हथेली का मतलब है ऐसे लोग जिनकी हाथों का रंग मटमैला होता है, उनके जीवन में संघर्ष, दरिद्रता और निराशा का भाव रहता है। ऐसे लोग कड़ी मेहनत तो खूब करते हैं लेकिन उन्हें सफलता हासिल नहीं हो पाती और ऐसे लोग झूठ भी बोलते हैं। अगर किसी इंसान की हथेली पर दाग धब्बे और कटे के ज्यादा निशान है तो ऐसे लोगों के जीवन में सुख सुविधाओं का मानो अभाव रहता है। जिन लोगों की हथेली का रंग सफेद और चमकदार होता है उनका मन अध्यात्म की ओर ज्यादा रहता है। ऐसे हथेली वाले लोग अद्भुत शक्तियों के मालिक होते हैं और शांति प्रिय होते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं, अगर आपकी हथेली का रंग लाल है तो फिर इससे आपको क्या कुछ संकेत देखने को मिलते हैं। जिनकी हथेली का रंग लाल होता है उन पर महालक्ष्मी की विशेष कृपा रहती है। ऐसे लोगों के जीवन में सभी सुख सुविधाएं होती हैं। हस्तरेखा में लाल रंग की हथेली को बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। ऐसी हथेली वाले लोगों को समाज में मान सम्मान और प्रसिद्धि बहुत मिलती है। तो वहीं अगर आपकी हथेली का रंग गुलाबी है तो फिर आपको अपने जीवन में ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ऐसे लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, इन लोगों के विचार बदलते रहते हैं और दूसरे की हाँ में हाँ मिलाते हैं। ऐसे हथेली के रंग वाले लोग हर हाल में खुश रहना जानते हैं। नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल से आरती की रिपोर्ट।